दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों में जड़ दिया है 90 रन। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने 12 छक्के भी लगाए। दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव की पूरी बल्लेबाजी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस समय एशिया कप खेला जा रहा है। ये एशिया कप है ये दुबई में खेला जा रहा है। भारत ने आज अपना दूसरा मुकाबला हांगकांग के साथ खेला जिसमें सूर्य कुमार यादव का तूफान देखने को मिला। जहां पहला मैच भारत का पाकिस्तान के साथ था वो मैच भारत ने पाकिस्तान से आसानी से जीत लिया। दोस्तों आज जो मुकाबला था वो हांगकांग के साथ था। इस मैच का टॉस जीता था हांगकांग ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। बैटिंग करने आए इंडिया की टीम ने पूरे 20 ओवर में 192 रन बनाए। ये 192 रन बनाने में विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव का बहुत बड़ा योगदान रहा। विराट कोहली 42 गेंदों का सामना करते हुए 61 रन बनाए। इसमें सबसे खास बात ये रही कि विराट कोहली ने इसमें नाबाद पारी खेली। पिछले समय जो विराट कोहली का फॉर्म वापस चला गया था अब वो धीरे धीरे आते दिख रहा है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने तो एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों का सामना करते हुए पूरे 68 रन बनाए। इसमें उन्होंने काफी बेहतरीन शॉट भी खेले। सूर्य कुमार यादव केवल एक ही दिशा में शॉट नहीं मारे बल्कि उन्होंने चारों दिशाओं में शॉट को खेला और टीम इंडिया को एक अच्छा स्कोर करके दिया। दोस्तों आज के मैच में केएल राहुल ने भी थोड़ा बहुत अच्छी पारी खेली। केएल राहुल 39 गेंदों का सामना करते हुए पूरे 38 रन बनाए। जहां पहले केएल राहुल 0 रन पर आउट हो गए थे वहीं दूसरे मैच में इनका कुछ योगदान रहा। बाकी दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने तो एक अलग ही इतिहास रच दिया है।